क्या है, नींद भर पूरी। हम लोग सब नींद में है, नींद में इस वजह से 5 बज रहे हैं, पर आरती हो रही है, भगवती गीत हो चुका है, बिस्तर के पे ही बैठे बैठे हमने भगवती धर्मराज का और ब्राह्मण हनुमान के गीत गा लिए। अब पराती हो रही है, कोबर में आए हैं। कैसे कैसे और क्या, एक सर पे रखो, एक कमर पे रखो और नाचो। मुझे नहीं आता ऐसे, मुझे नहीं आता नाचना। और पड़ेगा, हाँ नाचना है, रख के नाचना है। उसके बाद क्या करना है बताओ? जहाँ नाची हो वहाँ सफाई करो। हाँ, जहाँ से वो उठाया उसकी सफाई। कत्ता कत्ता धारो पीछे, वही पर धारो, कनिया नहीं हो जाता, चंगेरे में धो दियो, इसी से नहाओगी, इसे अच्छे से रखो। राम भजन करू, राम भजन करू भाईया है कागज के पुड़िया। ये कैसे उठाओगी मम्मी? कत्ता धो दी कागज के पुड़िया, बाबा लगे उड़ी जाई, हानि पड़े गले जाई। राम भजन करू, राम भजन कर आपी एक मरे मर घट में पापी, एक मरे मर घट में कौआ कुकुर नहीं खाई, कौआ कुकुर नहीं खाई। राम भजन करू, राम भजन कर, राम भजन करु भाई। इसमें होता क्या है बता देती हूँ मैं। सब मिथिलावासी तो जो नहीं छथिन, मगर यहाँ जो भी कोई देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो उनको मैं बता दूँ, आज है चौथा दिन, तो आज अपना घर सफाई करनी पड़ती है खुद ही। तो भैया चाय वाय पिलाओ, अब नहीं हम बैठ रहे, हाँ हड़ताल कर देंगे, जल्दी से चाय पिलाओ। फौजी साहब भी जग चुके और यहाँ पर फौजी साहब आ चुके हैं, ये देखिए फौजी साहब को चाय चाहिए। चलिए, हाँ लड़ी काट दे, वाह रे वाह, दिक्कत नहीं। हाँ 6:45 हो गए हैं, राम कहू भजन कहू ये करते करते कन्या भी थक चुकी है हमारी, है कन्या थक गई? नहीं थकी, नहीं थकी भाई, नहीं थकी है। हाँ रात में आके इजट की सूते इतनी रहे, हल्ला छुट्टी को है, दिन में तो हंसी आती नहीं रहती, रात को हंसते हैं। दिन में तो हंसेगी नहीं दीदी तू, पप्पा खाली अतवा कहत उठ उठ कर मिनट मिनट पर कहे, दिन में एक बार भी कोई नहीं हंसेगा, रात ही को इन लोगों को हंसी आ रही है। अनु पूछू नहीं, यहाँ गोर लग रही है कन्या, लाइन वाइज है वो, देखो वो आ गई बड़की। खुश रहो, खुश रहो, सौभाग्यवती रहो। आओ आओ आओ, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। आई गिले है इसका गिले, राम राम कन्या धो लेना उससे ना, जैसे पोछा नहीं धोते उसी में डिप कर करके। और निचोड़ लो बसी कहे मीरा बाउरी हो गई, बाबा कहे बाउरी हो गई, भैया कहे राम
से कहे मीरा रूप के आगरी के कहे मीरा रूप के सुंदर छे। यहाँ पर देखिए कोवर कर लिया है बहुत ही अच्छे से साफ हमारी कनिया ने। ये देखिए साफ हो गया कोवर और यहाँ पर ये देखिए मैं ये तो भाई सु रूसा के ना कोका असली बीध होता है पूरा नहीं। अब सासू माँ से डिमांड अब मैं नहीं छोड़ूंगी नहीं अब पूरा नहीं नीपना बोल मैं कही हुआ क्या चाहिए। ये देखो रूस के एक फोट कर हाँ पप्पा कहे छथिन की चाहिए रूस गई बहू रानी हाँ रूठ गई रूस नहीं गई रूठ गई क्या देंगे चाय में चाय चाय ये चाय ये चाय खाना पानी वाली है चाय दो चाय लो हाँ ये सुबह 5 रुपए की चाय है 15 रुपए की टिकट लगेगी हाँ 5 रुपए की चाय मम्मी ये आ गई हमारी पापा की बिना चीनी अदरक की चाय फिर चीनी दिल्ली पापा के दिल्ली ये देख रहे हो अब ये देखना रूस का जो बेसले सच में लोग रूस ले जाए ऊपर मुरी को का मांगू की चाय से बताओ है कन्या की चाय बड़का डिमांड है बेटा आज मांग लो वही मिल जाएगा सोच लो प्लान चल रहा है बोलो क्या चाहिए क्या चाहिए मम्मी बाजी थी स्कूटर स्कूटर नहीं ज्वेलरी में से मांगो गहना कपड़ा लत्ता उसके अलावा कुछ उसके अलावा क्या चाहिए उसके अलावा जाने की इजाजत माई के जाने की इजाजत हाँ ये देखो हटो हटो पापा कह रहे अपन घर से इजाजत भेल अब अपन घर के आके देखा क्या नहीं मगर चली जाएगी माई के तो माई के है भाई ऐसे मत बोलो माई के तो माई के है बस यही चाहिए बस अरे भाई यही सुनो ना वो तो होना ही था ये तो नेचुरल यही बिठा देंगे और वहाँ उतर जाना ये यहाँ तो मेट्रो का सुविधा है बिठा देंगे मेट्रो पे उतर जाया करना सही रहेगा है पेन मांगे मैं हूँ मैं देने वाली चाय पी ये देखो रहिए इसको बिठा देंगे गाजियाबाद की तरफ और ये जाएंगी साकेत की तरफ तो दोनों चले जाए करना दोनों कैसे इकट्ठे जाएंगे इकट्ठे दोनों अपने अपने माई के इकट्ठे जा सकते हैं। हाँ, जवाब यहाँ बूढ़े बुढ़िया को बोलना जाओ अपनी बेटी के यहाँ नहीं इकट्ठे कैसे जा सकते हैं भाई चलो हो गया इससे क्या हो रहा है अब अही बात लग पातिल बुझ रहा है बुझाना है हाँ ये है पिठार पाक्या नहीं आराम से हाँ धो देवे ना तो बुझ जात बस भेल एक कनिया धो दियो बस हल्दी और दही सर में कनी मनी सर में हल्दी आओ जल्दी आओ पांच हो जाएगा ना एक दो तीन चार गड़बड़ हो गया मेरी इसी चांद जैसी दुल्हनिया को मारो इसे उन्हें तो देखे ना चोट लगे सही लगा है वाह ऐसे नहीं हंसो मारो करो करो ऐसे नहीं हंसो ऊपर तक वो हो जाता हल्का
छह फरक नहीं है। पहली मामी हमारी, पहली मामी, पहली मामी है, ये पुरानी मामी भी है, पुरानी भी बोल सकते हैं, पुरानी भी होगी, ओल्ड इज गोल्ड। इनका देखो ना कभी मतलब लोटा बन गया ये बन पहनी के, अभी उधर लुढ़के थे अभी इधर लुढ़के, बुआ बुआ ऐसा करके अच्छा। मेरी एमी तैयार हो गई है, एमी भी रेडी हो गई है, देखो जरा मुंह, देखो मुंह अच्छे से बना के दिखाओ, हेलो बोलो, हेलो, और आप भी बोलो हेलो, और आप भी बोलो हेलो, और अंश भी बोलो, अंश कपड़े पहन रहे, हमारा अंश कपड़े पहन रहा है, बाद में बोलेगा ठीक है, प्रथम बोलो हेलो, हेलो, सभी रेडी हो गए, आज भरपूरी हो, और यहाँ देख रहे हो हमारे घर में मतलब चलता ही रहता है, दाल चावल भुजिया बन चुकी है, ये व्रत का बन रहा है, अभी तक तो दीदी ने संभाल रखा था, हाँ, मोर्चा मोर्चा किचन मोर्चा दीदी ने संभाला, नाश्ता में क्या बनाया आज आपने, क्या क्या दीदी ने, पोहा बनाया, हाँ, फिर दाल चावल भुजिया की भुजिया और पनीर की सब्जी, हाँ, सब बना चुकी है दीदी, हाँ, सफाई, और ये देखो अब व्रत का खाना, ये क्योंकि मैंने साक्षी नीरज जी बन के रख रेडी, दामाद है, बेटी है, इन सब के लिए ये बना के रख दिया है, नाश्ता भिजवा दिया है क्योंकि वो लोग वहीं पे ऑफिस भी है उनका, तो वहीं रह रहे हैं अभी, आ जाते हैं, ब्रेकफास्ट मैंने भिजवा दिया है, हाँ, टाइम टाइम पे आ जाते, वही बहुत बड़ी बात है, इसके लिए हम, इसके लिए हम एहसान मंद रहेंगे जीवन भर, शुक्रिया करते हैं कि वो अपने ऑफिस को यहाँ शिफ्ट करके, हाँ, और वो हमें ये सुख दे रहे हैं, और साक्षी को लाए हैं इसके लिए, है ना, बहुत बहुत सच में, साक्षी बिना रहा भी ना जाए, हाँ, और बोला ये तो करना ही पड़ेगा, उन्हें नहीं पड़ा पड़ेगा, तो अब बन रहा है फलाहार, हाँ, है ना, हाँ, फलाहार में क्या क्या बनाओगी जल्दी बता दो, साबूदाने की खीर बनाऊंगी, फ्रूट कस्टर्ड बच्चों के लिए, क्योंकि आज केशव और कार्तिक का पहली बार व्रत, हाँ, वैसे तो उन्होंने उपनयन में भी किया था लेकिन बिना नमक का खाना सब, हाँ, उसके बाद पहली बार, ये पहला व्रत है उनका जो फलाहार से हो, और नहीं सबसे पहली बात ये कि सत्यनारायण भगवान की पूजा ही वही करेंगे, दोनों करेंगे आज ब्राह्मण बनने के बाद, है ना, तो कस्टर्ड बनाऊंगी, आलू की भुजिया बनाऊंगी बिना नमक की, और ये जो आप देख रहे हैं ये बना रही हूँ, बना रही हूँ, और मूंगफली उनका मूंगफली भून के रख, भून के मैंने रख दिया, चलो इसके बाद मम्मी करेंगी प्रसाद की तैयारी, वो भी दिखाऊंगी, और मामी का जो तरीका है ना साबूदाने की खीर बनाने का वो अमेजिंग है, हम नहीं बना सकते, मैंने तो कभी ट्राई भी नहीं किया था, एक दिन ट्राई किया था गलती से बना नहीं वैसा, तो ये अलग टाइप की रेसिपी है, बहुत अच्छी, जल्दी जल्दी ये भी बता दो, बस इसको सोक कर लो, सोक कर लो दो तीन घंटे तक पानी से निकाल के, एक घंटा पानी में और दो घंटे कम से कम बिना पानी, बिना पानी के, उसके बाद इसे देसी घी में इस तरीके से भून लो, ये दाने दाने अलग हो जाते हैं, ये पक चुके हैं, पक चुके हैं, अभी दूध उबल रहा है, हाँ, ये दूध के पहले उबाल में ये उसमें डाल दो, ठीक है, 10-15 मिनट इसको चलाते चलाते ये दूध में और इतने मोटे मोटे दाने और अलग अलग खिले हुए, ओके ओके, और इसमें चीनी कब डालें, चीनी बंद करने के बाद, ओके, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है, इच्छा, पर मम्मी किशमिश ना ही डाले, है ना, तो ये साबूदाना खुद ही में अच्छा लगता है, सच में आता है घी वाला जो स्वाद होता है, मैं तो सोच रही थी फास्ट करूं, मगर मेरी मेडिसिन चल रही है इस वजह से मैं फास्ट नहीं कर रही हूं, मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी और जैसा कि आप जानते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा भी, और पापा यहां लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, दूध जो है वो साफ कर रहे हैं, दूर्वा दूर्वा, तो दूर्वा साफ कर रहे हैं, दूर्वा ऐसे होने चाहिए, ये जो है ना ये सही है ना पापा, बहुत लाए हैं केले का पत्ता, और ये लाए थे बेल पत्र जो कि मैं साफ कर चुकी हूँ, ये है पल्लव, आम पल्लव, और यहाँ पे सरोज भी लगी हुई है, सरोज हेलो बोल दो, हेलो, और यहाँ पर देखिए आपकी नानी जी प्रसाद भून रही हैं, बना रही हैं, जो चूरमा होता है उसको ही हम लोग कहते हैं प्रसाद, है ना, घी में भूनते हैं पहले, हाँ, घी में भून के नानी ही बनाएंगी, क्योंकि नानी फास्ट में है, अभी फास्ट में, अभी क्या, अभी रहेंगी, जब पूजा होगी उसके बाद खाना खाएंगी, तो ड्यूटी मिली है
पापा को पात नहीं ढंगर भेटल उत्ते चल जाए तो देख लो आप दुल्हन को न केला अच्छा लगता है इस दुल्हन का क्या होगा ना दूध अच्छा लगता है मैडम आप क्या खाती हैं फिर बताइए जरा हम वही ले आएंगे कन्या हेलो बोल दो सबको हेलो क्या खाओगे ये देखो फलाहार चल रहा है तो साबुदाने की खीर है केशव बताएगा मेरा एक नंबर सब कुछ खा रहा हूँ मैं है क्या क्या ये बताओ साबुदाना है फ्रूट कस्टर्ड है जिसमें तीन फ्रूट है मेरी मांग के मुताबिक हाँ और भुजिया है और मूंगफली है तो मस्त हो जाओगे खा के पेट भर जाएगा एकदम आपका छोड़ा मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा ये बहुत ये है मेरा भतीजा और ये है मेरी कन्या नई वाली है कन्या नाम मेरा डुबाओगी ना कस्टर्ड 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 भी नहीं अच्छा लगा यानी कि जो फ्रूट क्रीम बनाया था चलो जो अच्छा लग रहा है वो मन से खाओ कोई बात नहीं क्योंकि नारायण की कृपा से ही सब कुछ होता है पहली बार हमारे घर लक्ष्मी जी आई हैं तो हमने सोचा इनको भी फास्ट करवा ही देते हैं है ना अच्छा लग रहा है ना मन से कर रही हो फास्ट हाँ दे दे मन से कर रही हूँ हाँ बिल्कुल चलो